नमस्कार सर, आपका स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, तो सभी बच्चों के कहने के लिए हमने एनसीईआरटी का पूरा करने का बेटा उठा लिया है। तो हमने अभी पहले हमें लॉ ऑफ डिमांड का पार्ट वन और पार्ट टू अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वो आप जाकर पार्ट सभी देख लें। और आज हम शुरू करने वाले फ्रेंड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत से बच्चों को कमेंट आया कि सर आप नई वीडियो कब डाल रहे हैं, तो अगर आपके एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं, तो सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की ग्रोथ, मांग की ग्रोथ शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करते हैं, तीन पॉइंट्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, वस्तु की कीमत। दूसरा क्या लिखोगे, उपभोक्ता की आय। तीसरा क्या लिखोगे, संबंधित वस्तुओं की कीमत। समझ में आ गई फ्रेंड्स आपको, ये क्या करने हैं आपको, तीन पॉइंट पहले लिख लेंगे। क्या बता रहे हैं, हमने मांग की लोच को बताना है, तो क्या करेंगे, तीन पॉइंट लिख लेंगे। उसके बाद चलो फ्रेंड्स हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। क्या होगी डेफिनेशन, वस्तु की कीमत। डेफिनेशन क्या होगी, वस्तु की कीमत। मैं फ्रेंड्स पूरा नहीं लिखूंगा, बोल दूंगा, ठीक है। वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, कीमत में परिवर्तन होने से, मांग में जो परिवर्तन हुआ, मांग में जो परिवर्तन हुआ उसके माप को क्या करेंगे, उसके माप को मांग की क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लोच कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लोच कहते हैं। समझ में आया आपको, मैंने क्या किए, मैंने तीन पॉइंट लिखे, इनसे क्या हो जाएगी आपके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगा। क्या बनेगी, वस्तु की कीमत को भोक्ता क्या है, संबंधित वस्तु की कीमत होने के कारण मांग में जो परिवर्तन हुआ उसके माप को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मांग की ग्रोथ कहते हैं। समझ में आ गया, चलो अब आगे क्या करते हैं, इसी हम पार्ट देखते हैं, फिर इसको नोट कर लेंगे सभी। कर लिया सभी नोट, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें बताने हैं कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। मांग की लोच, मांग की लोच के प्रकार, समझ आ गए फ्रेंड्स आपको, प्रकार प्रकार जाने कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। समझ आ गई आपको, तो क्या लिखोगे पहले, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत। दूसरा क्या लिखोगे, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय। तीसरा क्या लिखोगे, संबंधित वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत। समझ में आ गई फ्रेंड्स आपको, अब क्या लिखना है आपको, तीन के सामने लिखनी है। तो वस्तु की कीमत का मतलब क्या हुआ, मांग की कीमत रोज, मांग की कीमत रोज। यहां क्या होगी, मांग की आय रोज हो जाएगी, यहां होगी मांग की आड़ी रोज। समझ में आ गई फ्रेंड्स आपको, आड़ी रोज। अब आड़ी का मीन्स क्या होता है, आड़ी का मीन्स होता है दो वस्तुओं से संबंधित हो, दो वस्तुओं से संबंधित। समझ में आ गई आपको, दो वस्तुओं से संबंधित। आपको पता होगा लॉ ऑफ डिमांड पार्ट टू के अंदर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो हमने दो वस्तुओं से संबंधित, जैसे कि हमने पढ़ी थी स्थानापन वस्तु और पूरक वस्तु, स्थानापन जो हमने एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करी, पूरक वस्तु कौन सी होती है, जो दो मिलकर हमारी मांग को करे, तो वो क्या है, वो ये दो वस्तुओं से संबंधित है। समझ में आ गई, जो आपके पास क्लास है उसके अंदर केवल आपको ये वाली पढ़नी है, ये दो आपके बाद में आएगी। समझ में आ गई आपको, चलो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब क्या देखेंगे, मांग की कीमत रोज, मांग की कीमत रोज को देखेंगे। समझ में आ गया आपको, मांग की कीमत रोज को देखेंगे। तो कीमत रोज की जब आप डेफिनेशन लिखोगे, किसकी, कीमत रोज की, कीमत रोज की जब डेफिनेशन लिखनी होगी, तो सबसे पहले फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, ईडी माइनस कोसाइन, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस कोसाइन, वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत
परिवर्तन वाई में वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, ये फार्मूला लिख लेना। डेफिनेशन अपने आप में देखिए, डेफिनेशन क्या बनी, वस्तु की मांग में होने वाला, वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन तथा क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगी आ जाओ, वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को, इसको अनुपात को ये बाय में आना, तो क्या कहेंगे अनुपात को, क्या कहते हैं मांग की कीमत लोच कहते हैं, समझ में आ गया आपको, कीमत लोच कहते हैं, समझ में आ गई। आपको मैं फिर बता देता हूँ, मांग की लोच में हमने क्या बोले थे, तीन पॉइंट बोले थे, कौन से बोले थे, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता क्या है और संबंधित वस्तुओं की कीमत। लेकिन जब मांग की कीमत लोच को हम पढ़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि केवल और केवल वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन तथा वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की कीमत लोच कहते हैं। समझ में आ गया आपको, मांग की कीमत लोच कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे डिस्कस करते हैं। अब आपको पता होगा कि मांग की कीमत लोच की पांच श्रेणियां होती है, कितनी श्रेणियां होती है, पांच श्रेणियां होती है, समझ में आ गई। तो पहली श्रेणी देखेंगे मांग की कीमत लोच की, कीमत लोच की श्रेणियां, समझ में आ गई आपको, बेटा तो वह सर की श्रेणियां ऐसे लिखेंगे ना, चल देखना ठीक है। पहला क्या है, पूर्णतया लोचदार मान, क्या है पूर्णतया लोचदार मान। अब पूर्णतया लोचदार मान क्या होती है, देखो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, डेफिनेशन आप खुद लिख पाओगे, डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले ये ऐसे बना लिया, क्या लिखोगे एक्स वाई, यहाँ के लगेंगे जीरो। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, पांच रख लो, समझ में आई, पांच हो गया। अब यहाँ लिखेंगे प्राइस या डिमांड, समझ में आई। उसके बाद यहाँ सौ लिख लो, यहाँ दस हजार लिख लो, यहाँ दो हजार लिख लो, समझ में आई। लेकिन यहाँ छह हफ्ते क्या हो जाएगी, ये जीरो। अब देखो इसकी डेफिनेशन आप खुद बनाएंगे, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गई, इनफाइनिटी हो गई, समझ में आ गई आपको। अब देखो मैं समझाता हूँ कैसे हुआ। अब ये ऐसे है कि मांग पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है, वस्तु जब वस्तु की कीमत प्रचलित कीमत के ऊपर, प्रचलित कीमत के ऊपर मांग क्या होती है, अनंत होती है, परंतु वस्तु की कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाने पर मांग क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग। इसको इस तरह से याद रखना है कि जब प्रचलित कीमत है, प्रचलित कीमत कितनी है, पांच है, प्रचलित कीमत के ऊपर मांग क्या होगी, अनंत होगी। देखो सौ हजार दस लाख करोड़ सौ करोड़ कितने मर्जी हो सकती है, लेकिन अगर वस्तु की कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाती है तो मांग क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इनफिनिटी, समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं, अगला क्या है, पूर्णतया बेलोचदार मांग, दूसरा पॉइंट क्या है, पूर्णतया बेलोचदार मांग। इसका भी मैं क्या करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा, डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, क्या होगा एक्स वाई, उन्हें आगे आपको यहां सेट कर दो भैया सो, एक ये क्या है डिमांड, ये क्या है प्राइस। अब करते चलो ऐसे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ये लिखिए सौ हजार दस हजार एक लाख, समझ में आ गया आपको, ये क्या आ गया, देखो पूर्णतया लोचदार मांग की डेफिनेशन क्या बनेगी, सोचो अब यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो हो जाती है, समझ में आ गई फ्रेंड्स आपको, जीरो हो जाती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इसके डेफिनेशन क्या बनती है, डेफिनेशन ये बनी कि कीमत में चाहे कितना भी परिवर्तन होता है परंतु मांग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या होती है, पूर्णतया बेलोचदार मांग होती है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं,
चलिए फ्रेंड्स आगे तीसरा पॉइंट क्या है, इकाई रोजगार मान। इकाई रोजगार मान, इकाई रोजगार मान क्या होती है, इसकी भी मैं टेबल सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा, आप खुद का बुक बनाओगी। आगी डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, बहुत आसान है। समझ आ गई आपको, मेरे हिसाब से डायग्राम देख के आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन क्या है। इकाई रोजगार मान, इकाई रोजगार मान वो मान होती है कि जितना प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में होता है, अगर उतना ही प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की मांग में हो जाए तो वो क्या होती है, इकाई रोजगार मांग होती है। समझ आ गई आपको, आगे चलते हैं। अब इकाई से अधिक रोजगार मांग क्या होगी, सोचो फटाफट लिखो अपनी कॉपी के अंदर, इकाई से अधिक रोजगार मांग क्या होगी। चौथा पॉइंट है ना, इकाई से अधिक रोजगार मांग, अधिक रोजगार मांग। समझ में आ गई, वही डायग्राम बनाना है। अब यहां आपने वो पांच लिखा था, यहां दस कर दो, यहां पांच से सिर्फ एक कर दिया हो। समझ में आ गई आपको, चलो फटाफट लिख लो इसको। ये आ गया प्राइस वाई जीरो एक्स। अब क्या बनी इसकी, इकाई से अधिक रोजगार मान, इकाई से अधिक रोजगार मान की डेफिनेशन क्या बनती है कि जितना प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में होता है, अगर उससे अधिक प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की मांग में हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, इकाई से अधिक रोजगार मान कहते हैं। समझ में आ गई, नहीं आ गई समझो। इकाई से अधिक रोजगार मान क्या मान होती है, जितना प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में होता है, जितना प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में होता है, अगर उससे अधिक परिवर्तन वस्तु की मांग में हो जाए तो वो क्या होगी, इकाई से अधिक रोजगार मांग होगी। समझ में आ गया। पांचवी श्रेणी वो क्या है, आखिरी श्रेणी है इसकी, वो आखिरी श्रेणी भी फटाफट देख लेंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह। चलो सोचो क्या हो सकती है उसकी डेफिनेशन क्या है, वो इकाई से कम रोजगार मांग, इकाई से कम रोजगार मांग, इकाई से कम रोजगार मान। वही टेबल बनानी है। अब टेबल क्या बनेगी, यहां से सिर्फ हमने कहां तक जाना है, दो तक ही जाना है, यहां पर एक ले आओ, ये क्या आ गया, पांच आ गया। चलो फिर फटाफट उठाओ, क्या बनी डेफिनेशन, दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, दिमाग में क्या करना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए कि अब डेफिनेशन क्या हो सकती है। अब डेफिनेशन क्या होगी कि जितना प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में होता है, अगर उससे कम प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की मांग में हो जाए तो वो क्या होगी, इकाई से कम रोजगार मांग होगी। समझ में आ गया आपको, इकाई से क्या होगी, कम रोजगार मांग होगी। आपने देखा ना कि वस्तु में तो 5% की वृद्धि हुई है, लेकिन यहाँ पे तो केवल किसकी हुई है, 2 की वृद्धि हुई है। समझ में आ गई, तो उसको क्या कहेंगे, इकाई से कम रोजगार मांग। तो ये होगी सारी हमारी श्रेणियां। अब आते हैं दोस्तों मुद्दे की बात। अब किसकी बात है, मुद्दे की बात। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखिए, अगर इस पार्ट को आपने स्किप किया तो आप समझ लीजिए पेपर के अंदर आपने 6 नंबर स्किप कर दिए, 6 नंबर में 100% एक ना एक सेट में जरूर आएगा। अब क्या होती है, मांग की कीमत लोच को, मांग की कीमत लोच को, लोच को मापने की विधियां। समझ में आ गई फ्रेंड्स आपको, विधियां मैं फिर से आने की देता हूं। चलो 6 मार्क्स, 6 मार्क्स ना आए तो मैं बैठे हो यहां, आ जाना मेरे पास। 6 मार्क्स में सर आपने क्या था, आया 6 मार्क्स में आएगा। आज हम सिर्फ जो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये इसका पहला पार्ट है, और पहले पार्ट के अंदर हम सिर्फ पहली ही विधि करेंगे। कौन सी करेंगे, मांग की कीमत लोच को मापने की आय विधि। कौन सी विधि, मांग की कीमत लोच को मापने की आय विधि नहीं है, ये आय विधि आगे आएगी। ये है पहली जो विधि है वो आपकी है फ्रेंड्स, कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि उनमें आ गया आपको, कुल व्यय विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसको समझ लेना, 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। कुल व्यय विधि किसने दी थी, डॉक्टर मार्शल जी ने। किसने, डॉक्टर मार्शल ने। ये बात हमेशा याद रखनी पेपर में लिखने के लिए। अब कुल व्यय विधि के हम क्या बनाएंगे, पेपर बनाएंगे, तो उसको फटाफट सारे गर्म कर लेते हैं। समझ आ गई आपको, अब इसको आप क्या करोगे, अच्छे से समझोगे। अब यहां हम लिख देते हैं कुल व्यय विधि, कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, कुल व्यय विधि। समझ में आ गई आपको, किसने दी थी, डॉक्टर मार्शल ने। किसने दी थी, डॉक्टर मार्शल जी ने। समझ में आ गई आपको। अब देखो इसकी क्या करनी है, हमने टेबल बनानी है। टेबल के लिए आप क्या करोगे, प्राइस या लिखोगे, क्वांटिटी या लिखोगे, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि टी और ए। क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे डिमांड है, इसका
इसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन हमें टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए इसकी सहायता लेनी पड़ती है। तो फटाफट लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 समझ में आ गई फ्रेंड्स आपको? 10 तक लिखना है, ये यहाँ लिख लो। आपको पता है ना माल और कीमत का संबंध क्या होता है? उल्टा होता है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3 सही है ना? अब क्या करो, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? 3 × क्या होता है? क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर? 3 × क्या होता है? तो कर दो, 10 आ गया, 9 × 18, 8 × 24, 7 × 28 दो आए 30, 30 फिर आए 28, फिर 24, फिर 18, फिर 10 उनमें आ गया आपको। अब क्या करना है, इस टेबल के 3 पार्ट करने हैं। पहला पार्ट होगा पहले 4 तक, कहा होगा पहले 4 तक, इसको आप भूल जाओ, इसका आप कोई काम नहीं है। ये हमने इसीलिए यूज किया कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है आ जाए, टोटल एक्सपेंडिचर है आ जाए। अब क्या करो, ये दूसरा पार्ट हो गया इसका 30, 30 वाला, इसके आगे वाला क्या हो गया, फिर एक और पार्ट बन गया। समझ में आ गई? अब आपने साइड में क्या करना है, एक चीज लिखनी है। क्या लिखोगे? जब कीमत कम है, यानी कि कीमत कम है तो टीईवी कम हो पा रहा है, लेकिन जब कीमत ज्यादा हो रही है तो टीईवी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। समझ में आ गया आपको? इसको हम क्या कहेंगे, इकाई से कम लोचदार माल। समझ में आ गया आपको? ये क्या है, इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार। समझ में आ गया आपको फ्रेंड्स, इकाई से कम लोचदार माल। इसको नोट कर लो पहले, इसको नोट कर लो, फिर कहीं मैं बिठा दूंगा, फिर कहोगे सर रहेगा मैं। आपको आगे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, जब 5 है तो भी 30 अच्छे है तो भी 30 है, यानी कि प्राइस कम हो या ज्यादा टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, क्या हो गया, इकाई लोचदार माल। इनको जो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाई थी, श्रेणियां पढ़ाई थी 5, उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाई है, इकाई से कम लोचदार, इकाई से अधिक। समझ में आ गई आपको? अब यहाँ क्या चल रहा है, प्राइस कम है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। प्राइस ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। यहां हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार। समझ में आ गया आपको? अब लिखो फटाफट इसकी डेफिनेशन, इसकी क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बनेगी, वस्तु की कीमत क्या लिखोगे, वस्तु की कीमत कम या अधिक होने से, कम या अधिक होने से। इसकी मैं डेफिनेशन पूरी देख रहा हूं, बहुत जरूरी है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। वस्तु की कीमत कम या अधिक होने से उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कि कुल व्यय बढ़ जाता है, समान रहता है, या कम हो जाता है उसके क्या कहते हैं, माल की कीमत रोज को मापने की कीमत रोज को मापने की कुल देर भी कहते हैं। समझ में आ गई आपको, उसको क्या कहते हैं, कुल व्यय विधि कहते हैं। समझ में आ गया, इसको लिख लो अच्छे से, फिर रह जाएगा। अब क्या बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम अगर आप टेबल को देख के बनाओगे, देखो बहुत मुश्किल है, नहीं बनने वाला, जिंदगी में नहीं बनेगा।
तो हम क्या करते हैं, इसका आसान सा एमआर पर डायग्राम सिखा देता हूँ उसी के साथ में, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ साइड में आपको दिखा देते हैं डायग्राम। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिखता हूँ कहाँ उनमें आ गया, इतना लिखना है टोटल एक्सपेंडिचर, इधर लिखना है प्राइस, समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है, आपको एक ऐसे डंडी बनानी है, अब एक पैर इसके इधर निकाल देना है, एक पैर इसके ऊपर निकाल देना है। अब आपके पास ये दो पॉइंट बढ़ गए, अब दो पॉइंट के एक यहां मिला दो, एक यहां मिला दो, फिर इन दोनों पॉइंटों के नीचे नीचे एक एक लाइन हो जाओ, समझ में आ गई आपको। अब यहां लिख दो फटाफट टी वन टी टू टी थ्री टी फोर, यहां लिख दो टी वन टी टू टी थ्री टी फोर। अब देखो क्या करना है, अब यहां हो जाएगी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन वन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू वन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन। अब आपको समझ नहीं आई, सबने करके आ गया, देखो अगर आप इसके तरह बनाते हो आपको लगेगा बहुत समय, पेपर में इतना समय नहीं होता। हमने क्या कर रखा है, इसका बड़ा ही आसान तरीका बना रखा है, और इस आसान तरीके को कोई भी गलत नहीं कर सकता, कोई चैनल नहीं कर सकता भैया। अब मैं फटाफट आपको ये विधि समझा देता हूँ और इस वीडियो को आप यही एंड करेंगे। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, कुल व्यय पढ़नी है, पहले टेबल बनानी है, क्वांटिटी का इसके अंदर कोई काम नहीं है, सिर्फ टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए काम है। निकाल लिया हमने, याद रखा कि यहाँ प्राइस कम है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है कम है, प्राइस ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इकाई से कम लॉस का मान, दोनों बराबर है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी इकाई लॉस का मान। यहाँ क्या हो रही है, कीमत कम है ज्यादा है क्या टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ कीमत ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, इकाई से अधिक लॉस का मान, जो ये मैं इकाई से कम इकाई से समान इकाई से अधिक बोल रहा हूँ, इसको आपको श्रेणियों के साथ मिलाना है, समझ में आ गया आपको। वस्तु की कीमत कम या अधिक होने से उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है, कुल व्यय बढ़ जाता है समान रहता है या कम हो जाता है, कुल व्यय बढ़ जाता है समान रहता है कि कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, माल की कीमत लॉस को मापने की कुल व्यय विधि कहते हैं। डायग्राम बनाना है, डायग्राम में एक बात याद रख लेना और टेबल में भी एक बात याद रखना कि ऊपर जब यहां कम आई है इकाई से कम लॉस दर मान है, वही डायग्राम में इकाई से कम लॉस दर मान नीचे है तो वहां ऊपर है, जो सेम है वो यहां सेम है, इक्वल टू है वन, यहां भी इक्वल टू है, लेकिन जो नीचे है ग्रेटर देन वन वो डायग्राम में क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ग्रेटर देन वन, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट वन हमने कर लिया है, इसके आगे हम पार्ट टू लेकर आएंगे, उसके अंदर हम अनुपातिक विधि, ग्राफिक विधि है, विद्युत लॉस विधि है वो करेंगे, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो पार्ट वन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो सो फ्रेंड्स इस वीडियो को यही एंड करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।